चंगेज़ कैसी लगी? बढ़िया फिल्म थी सर, इंटरेस्टिंग फिल्म थी, मज़ा आता है देख के, इन्जॉयमेंट है। हालांकि देखिए मैं तो पर्सनली बोलूँ तो मैं इस प्रकार की मास फिल्में बंगाली सिनेमा की फिल्में मैंने इतनी देखी नहीं है, इस प्रकार से मास सिनेमा वाली ये पहले हमारा एक्सपीरियंस और पहली कोई ऐसी बंगाली फिल्म है जिसको मैंने थिएटर में जाके देखा है, वरना मैंने सारी बंगाली फिल्म ऐसे ही देखी हुई है, थिएटर्स में नहीं देखी है। और मैं तो मेनली देखा जाए तो इंटेंस फिल्में और ऐसी डार्क फिल्में ही पसंद करता हूँ बंगाली सिनेमा से। एक से बढ़कर एक फिल्में आई है, ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की फिल्म और एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट रहा कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगा, लेकिन मज़ा आता है। वही चेंगेज़ का कैरेक्टर है जयदेव का, जो कि बचपन से उन्होंने मतलब बता रहे हैं कि शुरुआत से वो कैसा कैरेक्टर है, कैसा है, और वो एक तरह से जयदेव से वो चेंगेज़ कैसे बना है वो आपको देखने को मिलता है। और फिर चेंगेज़ का राज जो है, जो चेंगेज़ एज अ गैंगस्टर वो क्या क्या कर रहा है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है, एक तरह से चेंगेज़ की पूरी जर्नी है। हालांकि हम बॉलीवुड में इस तरह की फिल्में देख चुके हैं कई बार ऐसे कैरेक्टर्स को लेकर, फिर वो गैंगस्टर बनता है क्या करता है, फिर वो एंड में जाके मर जाता है, सारी चीज़ें आती है। आप लोग याद होगा नाम वगैरह कौन सी फिल्म थी संजय दत्त की सालों पहले, वहाँ से लेकर आप देखें वंस अपॉन अ टाइम मुंबई तक कई सारी अनेकों फिल्में आती है। नाम भी खैर बहुत बाद में फिल्में उसके भी पहले भी आ चुकी है, 70-80 के दशक में भी फिल्में आ चुकी है ऐसी देखने को मिलती है, लेकिन बंगाली सिनेमा की तरफ से पहली बार ऐसी फिल्म देखने को मिली। और सुनने में भी यह था कि ये तो रियल कहानी पर बेस्ड है, तो मज़ा आया। सुपरस्टार जीत जो उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, मज़ा आया उनका देखकर, इंटरेस्टिंग लगे। हालांकि एक्शन देखा जाए तो मतलब मुझे उतना वैसा बेहतर नहीं लगा उस प्रकार से, वायलेंस काफ़ी बताया, वायलेंस देखने में सही लगता है, वो प्रॉपर उसको क्रिएट किया गया, लेकिन एक्शन के स्टाइल में उतना मुझे मज़ा नहीं आया। और उनका वो चेंगेज़ वाला लुक मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया फिल्म के अंदर जब मैंने देखा तो, लेकिन उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। वहीं सुष्मिता उनके साथ है तो उनका कैरेक्टर भी उसका कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लव इंटरेस्ट बनी है उनका तो उनको देख के अच्छा लगता है, दोनों की केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी जमती है तो मज़ा आता है। लेकिन पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ चेंगेज़ के कैरेक्टर पर, उसके जीवन पर आधारित है, और मज़ा आता है फिल्म देख के। मुझे लगता है जो व्यक्ति देखने के लिए जाएगा उसे बोर नहीं लगेगा, उसे इंटरेस्टिंग ही लगेगी। 5 में से कितने स्टार? 5 में से मैं जो है फिल्म को जो है 3.5 स्टार दूंगा।